हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फ्रेंच फ्राई की रेसिपी लाई हूँ। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, मैंने ये आलू लिया है, बड़े साइज के आलू हैं ये दो। मैंने दो लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं ये आलू को छिल रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने आलू को अच्छे से छील लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये आलू को अच्छी तरह से छील लिया है। अब मुझे आलू को कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने आलू को कट कर लिया, छील लिया है। अब मैं कट कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं बस इस तरह से कट कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से, अब इस तरह से मैं बस ऐसे ही इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरह से आलू को फ्रेंच फ्राई के लिए कट कर रही हूँ। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। आप ऐसे पहले वाले जैसे मैंने कट किए वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, देखिए मैंने आलू इस तरह से कट कर लिया है फ्रेंड्स। देखिए, अब मैं आलू को वॉश कर लेती हूँ। मुझे आलू को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। मैंने आलू को देखिए इस तरह से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं यहाँ पे देखिए एक पैन ली हूँ और पैन में मैंने पानी डाला है और अब मैं पैन में आलू डाल दे देती हूँ। मैंने आलू डाल दिया है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें थोड़ा नमक डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा नमक डाल दे रही हूँ ताकि नमक अच्छे से बॉईल होने के टाइम में आलू में चला जाए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा आलू बॉईल हो रहा है। देखिए, मेरा आलू बिल्कुल बॉईल हो चुका है, ऐसा लग रहा है मुझे। देखते हैं, चेक करते हैं, मेरा आलू बॉईल हो चुका है। अब मैं एक आलू को छन्नी में छान लेती हूँ और मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। ये देखिए, मैंने आलू को अच्छे से छान लिया था छन्नी में। और इस तरह का कोई भी कॉटन का कपड़ा आप ले लीजिए और उसे आलू को उसमें डाल दीजिए और अच्छे से उसका जितना भी पानी है उसे क्लीन कर दीजिए, उसे सोख कर दीजिए अच्छे से, ताकि वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। इस तरह से आप किसी भी कोई भी कॉटन का अच्छा कपड़ा ले सकते हैं क्लीन, इस तरह से। देखिए, इस तरह से मैंने सारे पानी को सोख कर लिया है। अब मैं ये बाउल में अपने जितने भी आलू हैं उन्हें मैं डाल दे रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे आलू इसमें मैंने डाल दिया है। ये देखिए, चलिए अब मैं इसमें कुछ मसाला ऐड कर देती हूँ। थोड़ा मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, ये देखिए। इसके बाद मैंने थोड़ा मिर्ची पाउडर ऐड किया है। इसमें आप चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला और जीरा मिर्च का पाउडर भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। और कुछ नमक मैंने डाला है, ये देखिए। अब मैं 2 टेबल स्पून मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को ऐड करने के बाद मुझे आलू को इस तरह से ऐसे ऐसे टैप टैप करके अच्छी तरह से इस तरह से, ताकि ये आलू अच्छी तरह से सारे मसाले चले जाए आलू में। ये देखें फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, चलिए मेरा
तेल गर्म हो चुका है, अब मैं आलू डाल देती हूँ कुछ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए फ्रेंड्स। आप यकीन माने एक बार आप भी ट्राई करें, बस इसी तरह से बहुत अच्छा लगता है बच्चे को और बच्चे बहुत ही अच्छे से खाते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। देखिए किस तरह से मेरा ये फ्राई हो रहा है आलू, बिल्कुल ये फ्रेंच फ्राई बन चुका है मेरा। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ही बाज़ार जैसा ही लग रहा है ये, कि माने इतना अच्छा लगता है ना, और बच्चे भी इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोग अपने घर में ज़रूर बनाइए, बच्चे को बहुत पसंद आएगा। देखिए ये देखिए मेरा फ्रेंच फ्राई किस तरह से बना है, ये देखिए देखिए फ्रेंड्स मेरा ये बन चुका है। देखिए इस तरह से आप पैकेट बना के बच्चे को दे दें, मैंने साइड में रखा है। और ये देखिए मेरा फ्रेंच फ्राई, प्लीज़ मेरे